नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। सरकार किसानों को यंत्र खरीदने पर या और चीजें खरीदने पर सब्सिडी देती है। उदाहरण के तौर पर पराली के मैनेजमेंट के लिए हैप्पी सीडर खरीदना हो या रोटावेटर खरीदना हो या स्ट्रॉ रीपर खरीदना हो तो उसके लिए सब्सिडी मिलती है। अब इन किसानों का जो सब्सिडी के बारे में कहना है वो सरकार की आंखें खोल देगा, क्योंकि सरकार जिन किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है वास्तव में वो लाभ किसानों को नहीं मिलता, वो बीच में ही जो व्यवस्था में लोग हैं उनको मिलता है। इनका जो कहना है वो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि जिन किसानों को आप सब्सिडी का लाभ देना चाहते हैं वो तो उन्हें मिलता ही नहीं, और दूसरा सब्सिडी देने के लिए पहले उन्हें पूरी जो राशि जमा करनी होती है वो जमा कर नहीं पाता किसान, क्योंकि उसकी उतनी क्षमता नहीं है। तो ये सब्सिडी का पूरा क्या खेल है और किसानों को उससे कैसे लाभ नहीं हो रहा, उसके बारे में हमारे साथ जो किसान खड़े हैं जो बिहार से आए हैं ये पूरा विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप ध्यान से ज़रूर सुने ताकि और इसको मैंने जैसे कहा फिर से शेयर करें। जी आप बताइए कि सब्सिडी का जो आपने बताया कि असली लाभ क्यों नहीं मिल पाता आपको, पूरी बात बताइए। असली लाभ हम लोगों को सब्सिडी में नहीं मिल पाता है कि जिस मशीन का दाम 10 से 15, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, उस मशीन का दाम जब कहीं सरकार एक यांत्रिकरण मेला लगता है किसानों को सब्सिडी देने की बात आती है तो वहाँ जो है दाम जो है दुगुने रखा जाता है, और दुगुना रखने के बाद जैसे कि 15,000 है तो 20,000-25,000 रखा जाता है, और किसानों से जो है एक मुश्त पैसा लेकर के उनको सामान दिया जाता है और उनको जो सब्सिडी जो है बाद में वही पैसा उनको उनके खाते में डाला जाता है। किसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, किसान तो गरीब है, बहुत छोटा सीमांत किसान है, लघु किसान है, बहुत ऐसे कम किसान है जो कि ज़्यादा ज़मीन रखते हैं, हमारी जो है उतना जो है ताकत नहीं है जो कि हम एक मुश्त पैसा दे करके हम परचेजिंग कर सके। पहले क्या होता था कि सामान लेते थे और खाते में पैसा आ जाता था, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बिचौलिया है, बिचौलिया जो है यानी कि ज़्यादा दाम रखने चाहे वो किसी भी तंत्र से मिला हुआ है, उसको सरकार से भी मेरी आग्रह है, कृषि मंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि उन पर जो है लगाम लगाया जाए जो कि किसानों को मिल सके उचित दामों पर। और उसके बाद एक चीज़ हम सर ये भी कहना चाहते हैं कि जैविक खेती के बारे में बोला जाता है, ठीक है जैविक खेती जो है अभी धीरे धीरे जो है पकड़ में आएगी, लेकिन उर्वरक जो है कृत्रिम खाद का उपयोग ज़्यादा होता है। अभी हम लोगों के एरिया में यूरिया खाद, यूरिया तो हर चीज़ में दिया जाता है, उसकी कीमत बहुत कम 260-265 रुपया है, धड़ल्ले से जो है 330-350 में मिलता है, उस पर कोई कमांड नहीं। सर किसान के साथ सब्सिडी वाला ये समस्या जो है, जिन किसान को सब्सिडी का लोभ हो गया हमको सब्सिडी लेना है तो वो मशीन अपने काम छोड़कर उसके लिए तैयारी करता है, उसके लिए ज़मीन का रसीद कटाना पड़ता है अप टू डेट, LPC बनाना होता है, फिर ऑनलाइन करना होता है, फिर वह जाके पैसा देके सामान खरीदता है, चूँकि उसके ब्रेन में ये हो गया हमको सब्सिडी लेना है। किसान को एक एक मिनट का फुर्सत नहीं है अपने काम से, लेकिन वह सब्सिडी के चक्कर में उसी दिन से ऑफिस का दौरा शुरू कर देता है, वो अपना पैसा रुपया जमा देके सब्सिडी के चक्कर में सामान ले लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरा सब्सिडी आएगा उसके लिए ऑफिस दौरा करना होता है उसको। हो सकता है किसी का सब्सिडी फंस जाता है अफसरशाही के चक्कर में, किसान का रुपया 5-6 महीना ब्रेक हो जाता है, वह रोज़ रोज़ काम छोड़ के जो है ऑफिस का चक्कर लगाते रहता है, इससे किसान को काफ़ी क्षति होता है सर। और ये जो है बढ़ा चढ़ा के तो लिया ही जाता है सब्सिडी के चक्कर में, जिसका जो है 80% में खुले मार्केट में मिल जाता है उसका 100% 125% जो है सब्सिडी के चक्कर में उसका दाम आता है। ये सब समस्या किसान के साथ है, जो सब्सिडी का लाभ किसान को 100% नहीं मिल पाता है। हाँ किसान के सीधे खाते में तो जाना चाहिए, जाता है, लेकिन वही ज़रा कुछ घुमा फिरा के जाता है तो परेशानी है किसान के साथ। तो जैसा इन किसानों ने बताया कि सब्सिडी का लाभ किसानों को पूरा नहीं मिलता, क्योंकि जो जिस यंत्र पर सब्सिडी दी जाती है, उदाहरण के लिए यदि वो मार्केट में 1 लाख रुपए में है तो सब्सिडी की उसकी कीमत 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक हो जाती है, और फिर अगर सब्सिडी मिलेगी तो वो उतना ही पड़ता है किसान को जो मार्केट रेट है। इसका मतलब सब्सिडी का लाभ किसे हुआ, सब्सिडी तो कंपनी और ऊपर बट गई। तो किसानों को जो सब्सिडी अगर देनी है तो डायरेक्ट दी जाए, और एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है कि पहले किसान को पूरी कीमत देनी पड़ती है यंत्र की, उसके बाद उसकी सब्सिडी कटती है। तो अगर 2 लाख का यंत्र है तो गरीब किसान 2 लाख कैसे भरेगा,
फिर आपका लाख रुपए कटेगा, 1.5 लाख, जो 40%, 50% जो भी सब्सिडी। तो किसानों का ये कहना है कि हमें जितनी सब्सिडी मिलती है वो पहले कट कर और जितना उसकी कीमत है दो चीज़ों पर ध्यान दें, एक तो उसकी कीमत मार्केट रेट जो कीमत है वो लगाएं यंत्र की, फिर जो सब्सिडी है उसको काट करके उतनी ही कीमत देनी पड़े जितनी सब्सिडी के बाद देनी होती है, ताकि किसान को एक मुश्त पैसा ना देना पड़े। और दूसरा, किसानों को सब्सिडी के लिए जो चक्कर काटने पड़ते हैं वो ना काटने पड़े, एक बार फॉर्म भरा और सीधी किसान जो भी जिनको मिलनी है सीधे खाते में सब्सिडाइज्ड रेट आ गया और किसान अपना सामान खरीद लाया, या उतने ही पैसे भरने पड़े जितने की कीमत सब्सिडी के बाद की है। अगर इन चीज़ों का सरकार ध्यान देगी तो किसानों को लाभ होगा, और जो वास्तव में किसानों की सहायता करने के लिए पूरा तंत्र बना है वो अपने उद्देश्य में सही रूप से सफल हो पाएगा। इसलिए आप इन किसानों की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इन्हें सही लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।